अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ झटपट सी देसी स्टाइल क्विक सी कीमा पास्ता, बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है ऑयल तकरीबन हाफ कप ऑयल। डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने कट करके शामिल कर दिया है। इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज जो हमारी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए। टमाटरों को हम इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास कीमा है, बारीक कीमा है, मशीन वाला कीमा है मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको इतनी देर पकाऊंगी कि कीमे का कलर है वो चेंज हो जाए। देखिए कीमे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लूँगी इसके अंदर मैं नमक, और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए कीमे के अंदर जो है मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1/2 कप वाटर। 1/2 कप पानी सिर्फ मैंने इसके अंदर शामिल किया है क्योंकि मशीन का कीमा है तो इसको गलने में टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट तक मैं इसे मीडियम आंच पे पकाऊंगी ताकि जो कीमा है वो हमारा गल जाए अच्छी तरीके से। कवर कर देते हैं और 10 मिनट बाद चेक करते हैं। देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और कीमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही है। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी जो उसका एक्स्ट्रा वाटर है वो खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लीजिए। दो से तीन मिनट तक भून के अब ये देखें इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करूंगी मैं चिली सॉस, और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूंगी केचप। टोमेटो केचप लिया है, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं, पर मैंने चिली सॉस इसके अंदर ऐड किया है तो मैंने प्लेन इसके अंदर सिर्फ केचप 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता बनता है, ये देसी स्टाइल पास्ता है, बहुत मज़ेदार बनता है। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कवर कर दिया है मैंने इसको। पास्ता देखिए मैंने यहाँ पे बॉईल करके रख दिया था, उसके ऊपर ठंडा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया था ताकि आपस में चिपके ना। पास्ता बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया था, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। अब इस पास्ते को हम कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। चलें जी बिस्मिल्लाह, हम इसे शामिल कर रहे हैं कीमे के अंदर। सारा पास्ता जो है मैंने कीमे में शामिल कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे और हल्के हाथों से, ताकि पास्ता जो है वो टूटे ना हमारा और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। देखें हमारा जो पास्ता है कीमे में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है दोनों चीज़ों का मिलकर आपस में, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। 2 मिनट के लिए मिक्स करके मैं ऐसे रखूँगी दम पे ताकि एक अच्छा सा अरोमा आ जाए और दोनों चीज़ें अच्छे आपस में अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। अभी देखें मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में और रेसिपी को लाइक करने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।